नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों के शहादत से सारा देश मर्माहत है। मेरी और मेरे पूरे सिटी न्यूज परिवार की तरफ से शहीद हुए जवानों के लिए सशस्त्र नमन। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। विश्वविद्यालय में सीनेट की आयोजित बैठक के दौरान छात्रों ने किया हंगामा और तोड़फोड़, अफरातफरी में सीनेट की बैठक स्थगित। अयापुर के दादर में करंट से मिस्त्री की हुई मौत के बाद लोगों ने मुआवजे के लिए सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलवामा आतंकी हमले में 48 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद पूरा जिला मर्माहत। हमले के लिए जिम्मेदार पाक सरकार के प्रति लोगों में दिखा भारी आक्रोश। और BSNL के महाप्रबंधक ने बताया कि बंद होने के बजाय और दुरुस्त होगी BSNL टेलीकॉम सेवा। और अब खबरें विस्तार से। विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक शुरू होने से पहले ही छात्रों ने सीनेट हॉल में घुसकर तोड़फोड़ और बवाल किया, जिसके कारण सीनेट की बैठक नहीं हो सकी। बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में शुक्रवार को आयोजित सीनेट की बैठक छात्र संगठनों के हंगामा, तोड़फोड़ और संबद्ध डिग्री कॉलेजों के आंदोलनकारी शिक्षकों के बहिष्कार की भेंट चढ़ गई। सीनेट की बैठक शुरू होने से पहले ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गोलबंद छात्रों ने सीनेट हॉल के बंद गेट को फांद कर अंदर घुस गए तथा सीनेट हॉल भवन के निचले हिस्से में तोड़फोड़ और हंगामा करते हुए सीनेट की बैठक स्थगित करने की मांग करते रहे। इस बीच अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे संबद्ध डिग्री कॉलेज के शिक्षक भी सीनेट हॉल के गेट पर धरना देकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। छात्रों के उपद्रव, तोड़फोड़ और हंगामा तथा संबद्ध डिग्री कॉलेज के बैठक बहिष्कार के कारण सीनेट के सदस्य हॉल तक नहीं पहुंच सके। इस स्थिति को देखते हुए आंदोलनकारी शिक्षकों और छात्रों से वार्ता करने निकले कुलपति डॉ. अमरेंद्र नारायण यादव ने सीधे बैठक स्थगित करने की घोषणा करते हुए वहां से निकल गए। हालांकि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के सम्मान में सीनेट की बैठक को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। शहीद हमारे हो गए 44 लगभग 50 हुए, इसलिए इसको स्थगित किया गया। ये जनरल डिमांड इसलिए, लेकिन ये मतलब सब काम रुक जाएगा सो बात तो नहीं, हाउस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन हमने देखा चूंकि इसमें बजट संबंधी नहीं था, क्वेश्चन आवर स्टूडेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड बातें थी, लेकिन उसको जनरल आया कि उन लोगों का ना चूंकि अब शहीद हमारे हो गए हैं इसलिए इसको स्थगित किया। देशद्रोह का भी आरोप लगा रहे थे, देशद्रोह का भी आरोप लगा रहे थे यहाँ पे और कर्नल पे, देशद्रोह का भी आरोप लगा रहे थे आप पे और कर्नल पे कि इतना बड़ा हादसा हुआ और आप लोग सीनेट की बैठक कर रहे हैं। अच्छा, 5 लाख आदमी विभाग में मर गया था देश विभाजन में। भारत की जनता ऐसा है ना, सब चैलेंज के बीच रास्ता निकाल लेता है। उधर सीनेट की बैठक के दौरान हंगामा और उपद्रव मचा रहे विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं का कहना था कि शुक्रवार को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित किए गए सीनेट की बैठक में छात्र हित के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसके कारण छात्रों ने बैठक नहीं होने देने की घोषणा की थी। छात्रों का यह भी कहना था कि एक तरफ सारा देश भारतीय जवानों के शहीद होने की घटना को लेकर दुख और शोक में डूबा है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सीनेट की बैठक आयोजित करना अनुचित था, इसलिए विरोध किया गया। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन से क्षुब्ध और नाराज शिक्षक भी छात्रों का समर्थन करते हुए सीनेट की बैठक स्थगित कराने में अहम भूमिका निभाई। विद्यार्थी परिषद पिछले सीनेट के बैठक के समय यह मांग किया था कि यह बैठक तभी चलेगा जब आप स्टूडेंट हित की बात करेंगे। कुलपति महोदय और तत्कालीन रजिस्ट्रार महोदय को के द्वारा हमको लिखित आश्वासन दिया गया था फरवरी में जो सीनेट का बैठक होगा उसमें 100% स्टूडेंट का मुद्दा ही रखा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के आंख में धूल झोंक इन्होंने चुपके से सीनेट का बैठक बुलाया और आंख में धूल झोंक कर ले कहीं भी स्टूडेंट हित का चर्चा नहीं है, सिर्फ DA और विश्वविद्यालय से कैसे पैसा को जो है बैठा जा सकता है, इस तरीके के मांग को लेके और अचानक ये सीनेट का बैठक बुला के और अपना जो है बिल पास करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में रहा है और उसी के क्रम में हम यह चाहते हैं कि जब तक आप स्टूडेंट के हित में मांग नहीं लाते हैं ये सीनेट का बैठक एक दो
में और कुछ नहीं है, विद्यार्थी परिषद इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। होली और चुनाव को देखते हुए जिले में विदेशी शराब की आवक रोकने के लिए सभी एंट्री प्वाइंट पर जाँच और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होली और चुनाव के मद्देनजर जिले में विदेशी शराब की आवक रोकने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के सभी एंट्री प्वाइंट पर चेक पोस्ट बनाया गया है और इस प्वाइंट पर 24 घंटे सघन जांच की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि होली और चुनाव में शराब की आवक रोकने के लिए विशेष तैयारी की गई है। चुनाव के पूर्व हमने सभी जगह जिले के जहाँ जहाँ सेंसिटिव क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है जो शराब के मामले में, वहाँ जांच कराया जा रहा है। और जो पूर्व में शराब के अवैध कारोबार करते थे उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और चेक पोस्ट पे रेगुलर जांच कराई जा रही है। जिले सहित मुजफ्फरपुर जोन में अपराध नियंत्रण को लेकर जोन IG नैयर हसनैन खान ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वरीय पुलिस अधीक्षक सभागार में पुलिस महानिरीक्षक और नैयर हसनैन खान ने जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बढ़ते अपराध पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान महानिरीक्षक नैयर हसनैन खान ने अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के मुद्दों समेत कई बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही थानों में लंबित पड़े मामलों को त्वरित गति से निपटाने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि होली और आगामी चुनाव को देखते हुए जिले में अवैध शराब की आवक में बढ़ोतरी होगी। इसकी रोकथाम के लिए जिले के तमाम चेक पोस्टों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और तमाम चेक चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच और चेकिंग अभियान चलाने की बात कही। करंट लगने से हुई मिस्त्री की मौत के बाद आक्रोशित दादर के लोगों ने मृतक के शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम किया और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर हनुमान मंदिर के समीप एक निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे मिस्त्री दादर निवासी 35 वर्षीय गौरी राय की करंट लगने से शुक्रवार की दोपहर मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजन और मोहल्ले के लोगों ने शुक्रवार की दोपहर दादर पुल के समीप मृतक के शव को सड़क पर रखकर मुआवजा देने की मांग करते हुए NH 57 बैरिया 0 माइल मार्ग को घंटों जाम रखा। सड़क जाम की सूचना मिलते ही अहियापुर पुलिस जाम स्थल पर पहुंचकर लोगों से सड़क जाम हटाने का अनुरोध किया, परंतु लोगों ने मुआवजा मिलने के बाद ही सड़क जाम हटाने की शर्त रखते हुए सड़क पर अड़े रहे। घंटों जाम के बाद उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर घटनास्थल पर पहुंची QRT के टीम के पहल पर मुसहरी के BDO द्वारा मृतक के आश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत मुआवजा दिए जाने के बाद लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। पुलिस ने स्थिति सामान्य होने के बाद मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक को परिजनों ने बताया कि मिस्त्री गौरी राय अपने मोहल्ले में ही कौशल झा के निर्माणाधीन मकान में बिजली ठीक करने के लिए मकान की छत पर चढ़े। इसी क्रम में बिजली के तार से सटने के कारण उन्हें करंट का झटका लगा और वह छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मोहल्ले के लोगों ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर दादर पुल के समीप सड़क जाम कर घंटों हंगामा किया। घर बनाने वही में काम करने थी किया और लाइन वाला वही में तार उठा उसी पर से काम करते करते में ऊपर से इसको धके लिया गिर गया से हम लोग करंट में शॉर्ट गया गिरने के समय। गौरी राय इतने ओकरे अथी पर धैले तगार लाइन में सटल की कथी ऊपर से गिरल हाथ गोड़ डर सब टूट गेल। क्या नाम हुआ आपका? चंद्र काला देवी। आपका आपका नाम क्या हुआ? चंद्र काला देवी। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मुआवजा दिए जाने पर मामला शांत हुआ। और दादर पुल पर एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री है, किन्हीं के घर में गए थे काम करने के लिए, कल करंट लगने से छत पर से गिर गए, इंजोर्ड हो गए, इलाज के लिए मेडिकल गए, वहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, पोस्टमार्टम हुआ है, इनके विरुद्ध ये फर्द बयान देंगे, इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अभी अगर BPL का कार्ड होगा इनका तो बात करके जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत जो सरकारी राशि का ये निर्धारण है वो उनको दिया जाएगा, बाकी ये लोग रोड जाम हटाएंगे, आगे कार्रवाई कानूनी कार्रवाई जो है नियम संगत जो कार्रवाई होगी की जाएगी। इसमें क्या कुछ केस उसका क्या कुछ बनता है? जो नियमानुकूल होगा वो किया जाएगा। केस उस हुआ है सर? ये जानकारी नहीं है, अहियापुर का मामला है, अहियापुर थाना प्रभारी बताएंगे, लेकिन जो नियम होगा वही होगा, नियम सबके लिए बराबर है, कानून अपना काम करे। फिलहाल जाम लगा है वो सबको समझा बुझा कर हटा दिया जाए।
पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को पूरे जिले में आक्रोश दिखा। वहीं आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की स्मृति में शोक और श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी रहा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की स्मृति और सम्मान में शुक्रवार को भूतपूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने संयुक्त भवन स्थित कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा में सीआरपी कैंप के ऊपर जो घटना घटी है, आज पूरा देश आक्रोश में है और बिहार राज्य भूतपूर्व सैनिक संघ शाखा मुजफ्फरपुर इस घटना की कड़ी निंदा करता है और भारत सरकार से मांग करता है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जितने भी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके साथ कोई भी जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो उन पर किया जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर के मेयर ने जवानों की शहादत पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सभी शहीद हुए सैनिकों के शोकाकुल परिवार के साथ हैं। कल जो देश में बहुत ही नृशंस हत्या हुई है हमारे सैनिकों का, जो बहुत दुर्भावपूर्ण घटना है, ये ऐसा नहीं होनी चाहिए थी। उसी के चलते आज भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा आज जो है शोक सभा का आयोजन किया गया है। हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है और दी है और हम यही कहेंगे कि बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार इस पर उचित कदम उठाए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 4 दर्जन भारतीय जवानों की शहादत को लेकर मुजफ्फरपुर जिले के शहर से लेकर गांव तक आम लोगों में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ क्षोभ और आक्रोश भड़क उठा है। पाकिस्तान सरकार के इस घिनौने हरकत से जिले की आम जनता मरमाहत कम और आक्रोशित अधिक दिख रही है। पुलवामा आतंकी हमले के शिकार सैनिकों की स्मृति में शुक्रवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर शहीद जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं लोगों ने जगह जगह सड़क पर उतरकर आतंकी संगठनों को पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। पुलवामा में शहीद भारतीय सैनिकों की याद और उनके सम्मान में युवा भाजपा द्वारा एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्मारक स्थल पर शहीद सैनिकों की स्मृति में दीप जलाया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर राजद कार्यकर्ताओं ने पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में भारतीय शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च निकाला। पुलवामा आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रालोसपा के कार्यकर्ताओं ने सरैयागंज टावर के समीप पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। उधर बोचहा काफेन भाजयुमो मंडल के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जवानों की स्मृति में काफेन में कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर हके हिंदुस्तान मोर्चा के सदस्यों ने संगठनों के संयोजन तमन्ना हाशमी के नेतृत्व में पुलवामा आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान का झंडा जलाकर प्रदर्शन किया। साथ ही इस कायराना हरकत के लिए पाकिस्तान सरकार को जमकर कोसा। पुलवामा आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नगर के युवाओं में आक्रोश मार्च निकाला और पाकिस्तानी झंडे के साथ पाक प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। भगवानपुर गोलंबर चौक पर भगवानपुर मोहल्ले के युवाओं ने पुलवामा में आत्मघाती हमले के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इससे पहले मोहल्ले के युवाओं ने हमले में मारे गए 40 जवान शहीदों के आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। पुतला जलाने के बाद इन युवाओं में पाकिस्तान के इस हरकत पर काफी उबाल देखा जा रहा था। युवाओं ने कहा कि हम लोगों को सिर्फ इसका बदला चाहिए। इसका पाकिस्तान के लिए दो दुकड़ा के जलाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं होती है तो मोदी सरकार से मांग करते हैं सारे हिंदुस्तान की युवाओं को फिर छोड़ दे ताकि पाकिस्तान में घुस के सारे इससे हम लोग मोदी सरकार को मांग करते हैं कि खून के बदले खून चाहिए। मुझे एक सर्जिकल स्ट्राइक और चाहिए, 42 जवान के बदले हमें 42,000 पाकिस्तानियों का जान चाहिए, यही हमारा नारा है। जैसे मोहम्मद को फांसी देना चाहिए, जैसे मोहम्मद को फांसी देना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त है
कि हमारे युवाओं को खुला छोड़ दे ताकि पाकिस्तान को राख कर दे, जला कर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरेट। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरेट। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवार्डेड इंडिया की नंबर वन स्कूल चेन ऑफ द ईयर। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57 अहियापुर मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू नाइन्थ फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी, यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे, बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर, लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन,
इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चे की प्रतिभा को सम्मान दिलाने जीनियस क्लासेस लेकर आया है GTSE यानी जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम 2019। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITian, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। क्लास 7 से क्लास 10 तक के सभी बच्चों के लिए कैश अवार्ड्स और 10वीं के बच्चों के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप्स। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। जो आज से यह ठान ले, यह बात गांठ बांध ले, कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न ही झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मिल का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, NEET और AIIMS जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। GTSE इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर ए इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। अपने 35 साल के कार्य अनुभव के साथ इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुजफ्फरपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। 2 एकड़ के स्कूल कैंपस के साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 10, स्कॉलरशिप अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, लिमिटेड सीट अवेलेबल। CBSE करिकुलम नर्सरी टू क्लास 10th, मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जेल चौक, मुजफ्फरपुर बिहार। A unique school in the heart of the town, Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. CBSE curriculum provides co-education in English medium from Montessori to class 10th. A school with high expectation and high academic achievement. This school is excellence in teaching and other curricular activities for the overall development of a child. A school with highly experienced and well-trained faculties for the academic growth of a child. We focus to train the children for different competitive examinations under good guidance and competitive environment throughout the academic session. 100% result in CBSE examination. A school with homely atmosphere and big campus where your child learn with fun and spirit of self-development.
A close link and contact is maintained with the parents, maintaining Parents Teacher Day. Our special features include audio-visual facilities, well-equipped science laboratories with good facilities, purified drinking water. This school also organizes extra activities like quiz, debate, declamation, group discussion, art and craft, games, sports, painting, music, dance and drama. Free admission is going on for a short period. Don't miss this golden chance. Make haste. Hurry up. Let your child to get the best. If you are intelligent, we tick. If not, we may. इस स्कूल का मोटो है फ्यूचर इन आवर हैंड्स, इट मीन्स हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। यह बात बिल्कुल सही है। हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, तो इसके लिए हमें यह जरूरी है कि हम उसकी शिक्षा दीक्षा सही दिशा में करें। हमने अपने विद्यालय में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की पूरी व्यवस्था तो कर ही रखी है, पर गर्ल्स स्टूडेंट्स पर हमारी विशेष फोकस होती है। उनकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके सॉर्ट आउट करती हूँ। दिस स्कूल प्रोवाइड्स अ गुड गाइडेंस एंड हेल्दी एजुकेशन टू बिल्ड द गोल्डन करियर ऑफ द स्टूडेंट्स। बिसाइड प्रोवाइडिंग बेसिक एजुकेशन वी फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। फ्रॉम वेरी बिगनिंग वी एम्फेसाइज देयर पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, डिक्लामेशन, एक्सटेम्पोर, क्विज and many more, so that the students would have a very keen interest in their studies as well as they can accept the challenges of this competitive world. We always try to do our teaching method interactive and interesting so that the students would have very keen interest in their studies. Wish you all a very happy and prosperous new year. Lewis Carroll School, Kedarnath Road, Muzaffarpur. Contact 9342700999। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बीएसएनएल के महाप्रबंधक ने कहा है कि केंद्र सरकार बीएसएनएल को बंद नहीं करेगी, बल्कि बीएसएनएल की सेवा और दुरुस्त की जाएगी। बीएसएनएल के स्थानीय महाप्रबंधक कृष्ण मोहन ने शुक्रवार को प्रेस मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार बीएसएनएल को बंद नहीं करने जा रही है, बल्कि बीएसएनएल को ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा और बेहतर करने की योजना है। उन्होंने बीएसएनएल द्वारा शीघ्र विंग्स सेवा शुरू किए जाने की जानकारी दी। कुछ मीडिया में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों से .NET के अधिकारियों ने बात की और उनसे बीएसएनएल की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में चर्चा हुई, तो कई विकल्प मांगे गए। उसमें से एक विकल्प ये भी है कि बीएसएनएल को बंद किया जाए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और डॉट यानी भारत संचार के सरकार के दूरसंचार मंत्रालय में बीएसएनएल को बंद करने का कोई भी विचार अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और इसके विपरीत जो डॉट है वो चाहता है कि बीएसएनएल जल्दी से जल्दी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने और उसको मजबूत बनाने के लिए बीएसएनएल एक पूरा प्लान बना रहा है जिसको डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन के सामने अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। और ये पूरी उम्मीद है कि वो पास होगा और इससे बीएसएनएल की उन्नति का रास्ता अग्रसर होगा। और बीएसएनएल चाहता है भारत डॉट चाहता है कि बीएसएनएल बहुत मजबूत बने, और ये बिल्कुल भी गलत है कि बीएसएनएल को बंद करने के बारे में कोई विचार हो रहा है। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में सर जो प्लान शुरू किए गए बीएसएनएल की तरफ से, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। बीएसएनएल मुजफ्फरपुर ने भारत फाइबर के नाम से ब्रॉडबैंड सेवा चालू की है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उपभोक्ताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें स्पीड बहुत तेज होगी, और जैसे कि 50 Mbps तक की स्पीड मिलेगी, तो उसके लिए सिर्फ 777 रुपये प्रति माह उपभोक्ता को देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कम है। और 100 Mbps तक की स्पीड सिर्फ 1270 रुपये प्रति माह में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही आकर्षक प्लान है। और सारे उपभोक्ता इससे बेहद ही खुश होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसमें वो वॉइस कॉल भी है, जिससे वो अनलिमिटेड वॉइस कॉल का कोई चार्ज नहीं है, सारा वॉइस कॉल फ्री है। और इसके अलावा एक और हमने सेवा चालू की है विंग्स नाम से,
ये इंटरनेट टेलीफोनी है, इसमें उपभोक्ता के अपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करके किसी भी वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करके अपना वॉइस कॉल कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि अगर वो इंटरनेशनल रोमिंग में है, जैसे कि यहाँ के लोग नेपाल जाते हैं, वहाँ से अगर वो कॉल करते हैं तो उनकी कॉल ऐसी मानी जाएगी जैसे वो यहीं से कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से, मतलब उनके लोकल कॉल वाले ही चार्ज लगेंगे, जो कि अनलिमिटेड है एक साल के लिए, जिसका चार्ज सिर्फ 1099 रुपये है और उसमें असीमित कॉल कर सकता है उपभोक्ता। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि लैंडलाइन से करने में हमें दिक्कत होती है, हमें लैंडलाइन के पास जाना पड़ता है कॉल रिसीव करने या करने के लिए, तो वो समस्या से दूर हो जाएगी क्योंकि ये लैंडलाइन के नंबर आपके मोबाइल पर रहेगा, सारे कॉन्टैक्ट पे आप यूज़ करेंगे और इसको कॉर्डलेस फ़ोन की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल यूज़ करके एक लैंडलाइन नंबर को कर सकते हैं। 24 फरवरी 2018 को हुए धर्मपुर हादसे में घायल हुए बच्चों को इलाज के लिए सरकारी स्तर से मुआवजा राशि अब तक नहीं मिल सका है। 24 फरवरी 2018 को हुए धर्मपुर हादसे में घायल हुए बच्चों को घटना के लगभग एक साल बाद भी सरकारी स्तर से मुआवजे की राशि नहीं मिली है। इस आशय को लेकर धर्मपुर हादसे में घायल हुए बच्चों के परिजनों और बच्चों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। तब से एक पैसा कोई मुआवजा वावजा नहीं मिला, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, पैर काटने के लिए डॉक्टर तैयार है, बोले तो इसीलिए कहा जाता है तो कोई भी सुनने के तैयार नहीं है। अभी तक आप लोगों को मुआवजा राशि मिली ही नहीं है? ना, नहीं, एक पैसा नहीं मिला। 24 फरवरी 2018 को धर्मपुर स्कूल के बच्चे सब लाइन में 24 बच्चे खड़े थे और एक बोलेरो वाला मनोज बैठा के गाड़ी आया और पूरा लाइन को हंसोत दिया, 10 बच्चे स्पॉट मर गए और 8 घायल है, जो अभी तक घायलों के लिए हम लोग इलाज करा रहे हैं, जिसका नब्द है कि एक का पैर काटने का नब्द है, एक का स्टील लगाने के, अभी तक हमारे ब्लॉक के सीओ सूची नहीं भेजे आपदा ऑफिस में। आपदा प्रबंधक प्रधानमंत्री हमारे घोषित किए थे 50,000 रुपया घायलों को मुआवजा इलाज के लिए, वो अभी तक नहीं मिला और साल भर पुरने जा रहा है। गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है और अभी से ही नगर क्षेत्र का वाटर लेवल नीचे जाने लगा है। गर्मी की धमक अभी शुरू भी नहीं हुई है और शहर के अधिकांश इलाकों में वाटर लेवल अभी से ही नीचे जाने लगा है। अगर अभी से ही नगर निगम प्रशासन इस पर पहल नहीं की तो आने वाले गर्मी के दिनों में पीने के पानी के लिए आम लोगों में हाहाकार मच जाएगा। आज हम शहर की दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह सिकंदरपुर मन है और अभी से ही इस मन के कई हिस्से सूखने लगे हैं। इससे आप खुद अनुमान लगाइए कि अभी यह स्थिति है तो गर्मी में क्या होगा। वहीं आप यह दूसरी तस्वीर देखिए, शहर में किस तरीके से पीने के पानी का बर्बादी कर रहे हैं ये लोग। न ही इन्हें इस बात की चिंता है और न ही इसे कोई रोकने वाला। इस सारे मुद्दों पर सिटी न्यूज के संवाददाता संदीप कुमार की यह स्पेशल रिपोर्ट। मेरे ठीक पीछे आप ये जो पानी का फवारा देख रहे हैं, कल्पना कीजिए कि जिस दिन पानी नहीं होगा उस दिन क्या स्थिति होगी। गर्मी की धमक अभी शुरू ही हुई है और शहर का भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। इस संबंध में जब हमने मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार से बात की तो आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। गर्मी की शुरुआत हुई है और इसके लिए हम लोग प्रॉपर वे में सारा काम कर रहे हैं। आपको मालूम होनी चाहिए कि 11 जल मीनार यहाँ है मुजफ्फरपुर में, उसका 6 करोड़ रुपया आ गया है और जल मीनार हम ठीक करवा रहे हैं। दूसरा जो आपने कहा कि पाइपलाइन वाला जो बात आपने कहा है, अभी पाइपलाइन पर सब पर काम हो रहा है और ये जो जल मीनार है अगर वो ठीक हो जाता है जो हम लगे हुए हैं तो संभवतः मुजफ्फरपुर के लिए पानी की समस्या अब नहीं रहेगी। उसके बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जितने भी सर्विसिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में जो पानी से मिसयूज करते हैं, सर्विसिंग करते हैं और आपने देखा खुले नाला में बहाते हैं, सबको सुख्ता का प्रोविजन करने कह दिया, अदरवाइज दुकान उनको बंद करनी होगी, वो बहुत मिलकर पत्थर साबित होगी। इसको आड़ो पानी तैयार करने में भी पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, उससे पानी जरूरी है चूँकि शादी विवाह लगन सब जगह है, उसके बिना पानी का उपाय होगा नहीं। अभी आप कहिएगा निगम पानी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, प्रोवाइड और पानी कर ही रहे हैं, लेकिन आरओ का पानी भी जरूरी है। उस उन लोग जो भी दुकान खोले हुए हैं सब लोग को लाइसेंस लेने होगी, विधिवत लाइसेंस उनको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम लोग का मापदंड है वो फुलफिल करेंगे और वो लाइसेंस। अच्छा, उनके द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग की भी कोई परियोजना है क्या? जिनके द्वारा? बोतल बंद पानी विक्रेताओं द्वारा क्या परियोजना है वाटर हार्वेस्टिंग की? हाँ, अरे उसमें उनको भी करना है, जो भी
पानी बोतल बंद पानी बनाएंगे, उनको वाटर लेवल मेंटेन करते हुए उनको स्वच्छता बनाएंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी ने चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अवमानना का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अवमानना कर रही है, ये बातें बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि वीवीपैट से निकलने वाली मतपत्र की गिनती 100% बूथों पर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पूरा किया जाए। लेकिन इसके मुख्य मुद्दे जो है, देश में चुनाव जो ईवीएम मशीनों से हो रहा है, वोटिंग मशीनों से हो रहा है, ये देश के लिए ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया वो टेक्नोलॉजी में भारत से कई गुना आगे है, जैसे जापान, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, जैसे अमेरिका, जैसे इंडोनेशिया, यूक्रेन, कैलिफोर्निया, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, बहुत सारे देश हैं, 120 देशों का नाम गिनाऊंगा तो समय ज़्यादा जाएगा। वो जो इतने विकसित देश है टेक्नोलॉजी में, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि मशीनों से चुनाव नहीं हो सकता, चुनाव करवाना ये लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.